पंडित संतराम राजकीय महाविद्यालय बैजनाथ में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा दो दिवसीय इंटर कॉलेज महिला कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक मुल्क राज प्रेमी ने शिरकत की। प्रचालय सुशील कुमार मेहता व स्टाफ के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया और उन्हें शॉल टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर विधायक मुल्क राज प्रेमी ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी उतनी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज के क्षेत्र में सबसे आगे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या खेल की या फिर राजनीतिक गतिविधि हो। सभी जगह महिलाओं की भागीदारी बढ़ती जा रही है। वहीं उन्होंने महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की सलाह भी दी। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की तथा अपनी ऐच्छिक निधि से 31,000 रुपए देने की घोषणा भी की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। मुल्क राज प्रेमी ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि इंटर कॉलेज वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के 17 महाविद्यालयों से लगभग 100 पहलवानों ने भाग लिया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षा रुचि कपूर, मनोनीत पार्षद प्रकाश डोगरा, वीरेंद्र राणा, भीखम कपूर, शीतल प्रसाद तथा महाविद्यालय का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के त्यून सरयून धार में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हरलोक बीडीसी सीमा शर्मा ने की। इस बैठक में युवा नेता आशीष ठाकुर व अन्य विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में क्षेत्र से संबंधित सभी समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए आशीष ठाकुर ने कहा कि आज दिन तक त्यून स्यून धार के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नाम पर छला गया है। युवा ने बताया कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या उप तहसील की है। यहाँ के लोगों को तहसील के कार्य करवाने के लिए घुमारवीं का रुख करना पड़ता है। इस क्षेत्र से घुमारवीं की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है, जिसकी वजह से समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। आशीष ने कहा कि इस समस्या को लेकर उन्होंने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था और नजदीक की सभी पंचायतों के प्रधानों से प्रस्ताव पारित करवाया गया था, जिसके प्रति एक साल पूर्व जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजी जा चुकी है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द हर लोग को उप तहसील का दर्जा दिया जाए। हर लोग इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु है और इस क्षेत्र के अंतर्गत 5 पटवार सर्कल आते हैं, जो कि उप तहसील के मापदंडों को भी पूरा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर अगले 3 महीने में सरकार और प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती है तो आगामी समय में जिलाधीश कार्यालय और सरकार के प्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। हिमाचल प्रदेश जहां अपनी आस्था व संस्कृति के लिए विश्वख्यात है, तो वहीं ग्रामीण स्तर पर आयोजित होने वाले मेले भी आपसी मेलजोल और भाईचारे को प्रदर्शित करते हैं। बिलासपुर के नैना देवी हल्के स्थित सुई सुरहाड़ में आयोजित 4 दिवसीय पशु मंडी किसान मेले के समापन अवसर पर प्रदेश के पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिरकत करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम के दौरान नैना देवी के पूर्व विधायक और प्रदेश बीजेपी मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मेले के दौरान 250 किसानों व पशुपालकों ने भाग लिया, जिसमें दुधारू नस्ल की पशुओं की जमकर बिक्री भी हुई। इसके साथ ही मेले में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के साथ साथ कुश्ती प्रतियोगिता मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें विभिन्न उम्र के पहलवानों ने भाग लिया। जहां एक और मेले के समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया, वहीं दुग्ध उत्पादकों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र कंवर ने
जनता को प्रदेश की जयराम सरकार के विकासात्मक कार्यों की जानकारी भी दी, तो साथ ही 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने में प्रदेश सरकार द्वारा उचित कदम उठाए जाने की बात भी कही। इसके साथ ही उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कामधेनु संस्था की जमकर तारीफ की, जिसके माध्यम से हजारों किसानों व पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध हो पाया है। महाराष्ट्र व हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों का बिगुल भी बज गया है। चुनावों की घोषणा होते ही कांगड़ा जिला के धर्मशाला व सिरमौर जिला के पछाद में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। आपको बता दें कि कांगड़ा जिला के धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र व सिरमौर जिला के पछाद सीट पर उपचुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि चुनावों को लेकर 23 सितंबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा धर्मशाला में लगभग 81,000 मतदाता अपने मत का उपयोग करेंगे, जिसमें लगभग 41,000 पुरुष तथा 40,000 महिला मतदाता शामिल है। प्रजापति ने बताया कि जिला कांगड़ा में आदर्श आचार संहिता लागू हो रहेगी और पूरे जिला में धारा 144 लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि ये आचार संहिता 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनावों को लेकर जिला प्रशासन ने तमाम इंतजाम पूरे कर लिए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न करवाए जाएंगे।